ओके, जैसे सिद्धेश गया रिकॉर्डिंग चालू हो गया, राइट? ओके, एनीवे, अपार्ट, लेट हिम जॉइन फ्रॉम सम अनदर मेल आईडी, ही विल बी जॉइनिंग. ओके, सो यस, व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे. ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन, राइट? कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? नो नो सर, सर, नो सर, यस सर, यस यस सर. सर. ओके, ग्रेट. सो सिद्धेश इज जॉइंड. सिद्धेश, सिद्धेश आ गया क्या वापस? यस सर, ओके, ग्रेट. सो लेट अस स्टार्ट, राइट? नाउ आई विल जस्ट ओपन दिस थिंग. ओके, सो द थिंग इज दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, राइट? टिल नाउ हम बायसिंग कर रहे थे ट्रांजिस्टर को, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था बताइए. हाउ मेनी बैटरीज वर नीडेड? टू टू बैटरीज. बैटरीज. तो बैटरी अगर बढ़ गया तो सर्किट का साइज भी बढ़ेगा, मतलब आपका कोई भी डिवाइस होगा उसका साइज भी बढ़ेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग दैट आवर बैटरीज शुड बी लेस, राइट? सो लेट अस ट्राई टू बायस द सर्किट विथ ओनली वन बैटरी. इज इट पॉसिबल? सो यस, इट इज पॉसिबल. तो कैसे बायसिंग करते हैं देखते हैं, राइट? बट द थिंग इज, बायसिंग ऐसा करना चाहिए हमने सो दैट योर सर्किट विल बी स्टेबल, राइट? सर्किट स्टेबल रहना चाहिए ना बायस करने के बाद में. यस, यस सर, सो यस सर, लेट अस यस से सर. द टॉपिक इज कॉल्ड एज बायस. द टॉपिक इज कॉल्ड एज बायस. स्टेबिलाइजेशन, राइट? बाय स्टेबिलाइजेशन. ओके, सो बाय स्टेबिलाइजेशन मीन्स, देखिए स्टेबल क्या रहना चाहिए, क्यू पॉइंट रहना चाहिए कहाँ पर, सेंटर में. क्यू पॉइंट अगर इधर उधर सरकने लगा, क्यू पॉइंट मतलब क्या बताइए? क्यू पॉइंट मतलब, मिड पॉइंट ऑफ डीसी लोड लाइन. यस हाँ, नहीं, देखो क्यू पॉइंट मतलब है वैल्यूज किसके, आईसी और वीसी के, राइट? अगर सर, आपको, सर्किट दिया और बोला कि चलो फाइंड आउट करो क्यू पॉइंट, तो आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वीसीई एंड आईसी, बराबर है? बीटा अगर मिल गया तो आईसी मिल जाएगा, बराबर है? बीटा इज एंड आईबी, तो आईसी इज इक्वल टू आईसी, क्या मिलेगा? बीटा टाइम्स आईबी, राइट? एंड यस सर, सेकंड थिंग इज दैट वीसी, वीसी कैसे मिलेगा? हमें पता है वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसी, तो वीसी इस इक्वेशन से मिल जाएगा, राइट? ओके, यस सर, तो एनीवे, मतलब बायसिंग स्टेबिलाइजेशन मींस व्हाट? दिस क्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्यू पॉइंट किस पे डिपेंड होता है? आईसी और वीसी. आईसी एंड वीसी. ओके, क्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन आईसी, आईसी डिपेंड्स ऑन आईबी, बराबर है? एंड आईसी आल्सो डिपेंड्स ऑन बीटा, बीटा डिपेंड्स ऑन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का फैक्टर होता है ना बीटा, बराबर है? तो बीटा यस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, बराबर है? टेम्परेचर बढ़ा तो बीटा भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो बीटा भी कम होगा, राइट? सो द थिंग इज दैट क्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनडायरेक्टली, राइट? एंड यू कैन से योर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स वेरिएशन, राइट? सो क्यू पॉइंट इस चीजों पे डिपेंड होता है. ओके, सो टू मेक दिस क्यू पॉइंट स्टेबल, टू मेक दिस क्यू पॉइंट स्टेबल, राइट, व्हाट वी डू, राइट, वी यूज वेरियस बायसिंग सर्किट्स, राइट? व्हाट वी डू, वी यूज वेरियस बायसिंग सर्किट्स. ओके, सो लेट अस सी वेरियस बायसिंग सर्किट्स मतलब क्या. तो डिफरेंट डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स यूज करेंगे. ओके, सो व्हाट इज आवर एम, हमें ट्रांजिस्टर को ऐसे बायस करना है सच दैट इट विल वर्क एज एन एम्पलीफायर वेरी फेथफुली. गेटिंग? फेथफुली क्यों बोल रहा हूँ, मतलब क्यू पॉइंट आपके सेंटर में है एंड देन इट विल गिव द फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल, बराबर है? और फेथफुल अगर नहीं होता है तो आउटपुट में क्या आता है बताइए? एक बार डिस्टॉर्शन, वेरी डिस्टॉर्शन. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये क्यू पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्किट को बायस करना पड़ता है तरीके से, अच्छे तरीके से, राइट? सो वन ऑफ द मेथड इज फिक्स्ड बायस, राइट? वन ऑफ द मेथड इज फिक्स्ड बायस. अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास में ये ट्रांजिस्टर है. ओके, सो दिस इज योर एमिटर बेस एंड कलेक्टर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस,
दिस इज कलेक्टर. ओके नाउ सुनिए, हमने क्या किया था, यहाँ पर आरसी लगाया था, राइट, यहाँ पर आरसी लगाया था, एंड देन आई हैव वाज कनेक्टिंग वन बैटरी हियर, इज इट ओके? यस सर. यस सर. नाउ दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. ग्राउंड मतलब क्या, जीरो वोल्ट्स. नाउ व्हाट आई विल डू यू नो, इंस्टेड ऑफ ये बैटरी ऐसा कनेक्ट करने के बजाय मैं क्या करूंगा पता है क्या, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, राइट, इसी बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ओके, लेट 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 मी कनेक्ट इट लाइक दिस. ओके सो देखिए, सुनिए, यहां पर कितना वोल्टेज है, हाउ मच इज द वोल्टेज हियर प्लस वीसीसी, तो हाउ मच इज वोल्टेज हियर प्लस वीसीसी, यहां पर कितना वोल्टेज होगा प्लस वीसीसी, बराबर है. ओके अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, इसी को मैं यहां से लेके यहाँ पर एक रेजिस्टर डाल देता हूँ RB, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा प्लस VCC, राइट, समझ में आ रहा है? और ये समझ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? यस यस यस. ओके अभी देखिए, हाँ, नाउ जस्ट सी हाउ द करंट विल फ्लो. करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस बैटरी हियर and it will get divided into two parts. One will flow through IC, that is your IC, RC, or second is flowing through IB, that is your IB. IB, right? RB से IB flow रहा है. Getting? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So there will be some voltage drop across this, plus, minus. There will be some voltage drop across this, plus, minus. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us suppose a rough, रफ बोलता हूँ मैं, ओके, यहाँ पर 15 वोल्ट्स है, यहाँ पर अगर 10 वोल्ट्स ड्रॉप हुआ तो बचा हुआ यहाँ पर जाएगा, इसके अक्रॉस जाएगा, यस नो? यस सर. यस सर. यस. तो बचा हुआ 5 वोल्ट्स यहाँ पर आ गया, बराबर है? यस सर. माइनस. ओके तो देखिए, 15 वोल्ट्स है, 15 वोल्ट्स में से 5 वोल्ट यहाँ पर गया, 10 वोल्ट यहाँ पर गया, 5 वोल्ट यहाँ पर आ गया. नाउ दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी बिकॉज दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. सो ये कैसे गया आपका? Forward bias. Yes, and of course, यहाँ का voltage ज़्यादा है. This N is connected to positive, so again this will be in reverse bias. Reverse bias. Biasing हो गया? Yes sir. कितना yes, battery? Yes. कितना battery? एक battery sir. One. Only one. One. Easy है? Easy है? Yes. Yes sir. Okay. Now यहाँ पर अगर आपको IB का value निकालना है, यहाँ पर आपको IB का value निकालना है, तो यहाँ पर voltage कितना है? Plus माइनस. यहाँ पर वोल्टेज बताइए कितना है? वी बी ई, राइट, प्लस माइनस. ओके सो ये जो वोल्टेज है, ये ऐसा जाकर ऐसा एक लूप फॉर्म होगा. ओके सो लेट मी सी दिस टोटल अप्लाइड वोल्टेज इज नथिंग बट सम वोल्टेज विच विल गेट अक्रॉस दिस आई बी आर बी एंड देन दिस वोल्टेज रिमेनिंग गेट ड्रॉप अक्रॉस दिस वी बी ई, राइट. सो देयर फोर कैन आई राइट आई बी इज इक्वल टू VCC minus VBE divided by RB. RB. Same है ना, दो बैटरी का काम एक ही बैटरी कर रहा है. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, okay. अभी देखिए यहाँ पर फिक्स क्या क्या है. VCC fixed है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VCC fixed है. RB कैसा है? Fixed. Fixed. Fixed है. Right? Okay. So VCC RB fixed है. Okay. VBE. तो VB भी फिक्स है. फिक्स है, राइट. सो ये कैसा है? कांस्टेंट. ये भी फिक्स्ड होगा. फिक्स्ड होगा. यस नो? यस सर. ओके सो ये अगर फिक्स है तो बीटा इज इक्वल टू, ओके सो देयरफॉर IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB. सो IB अगर फिक्स होगा तो ये भी कैसा होगा? IC भी फिक्स होगा. फिक्स्ड. यस नो? यस सर. यस सर. यस सर. ओके 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 अभी सुनिए. नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो व्हाट हैपेंस नाउ, व्हाट इज योर आउटपुट, आउटपुट कहाँ पर लेंगे हम? ओके अभी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है ना, कि ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ दिस देयर इज अ शॉर्टकट वे, वी विल जस्ट राइट हियर, वी विल जस्ट राइट हियर प्लस VCC. मतलब इसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड है? प्लस VCC, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड पे कनेक्टेड है. जो मैंने पूरा ऐसा सर्किट ऐसा करके बताया था ना, सो उसके जगह पे ऐसा लिखेंगे. गेटिंग? समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ओके सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. ओके नाउ अभी देखिए, आउटपुट लूप में आप आउटपुट लूप में KVL लगा सकते हो. VCC, राइट, इज इक्वल टू ICRC प्लस
यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, प्लस माइनस वी सी ई, बराबर है वी सी ई, यस नो? यस सर, यस सर, यस सर, व्हाट वी सी सी माइनस आई सी, ओके। अभी सुनिए, नाउ नाउ व्हाट हैपेंस, सो ये तो सब सही है, दो दो बैटरी का एक ही बैटरी लग रहा है मुझे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? एंड देन आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट बिकॉज आई एम सेविंग वन बैटरी एंड सिमिलरली मेरा ट्रांजिस्टर भी बायस हो गया है, ओके? लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्किट? डिसएडवांटेज है इट विल डू नॉट प्रोवाइड टेम्परेचर स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलाईजेशन, राइट? देखिए क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट है, बीटा, बराबर है? तो बीटा बढ़ता है ना, यस नो? यस सर, यस सर, बीटा बढ़ता है तो कौन बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, तो आईसी बढ़ेगा, बिकॉज देखिए आईसी तो फिक्स रहना चाहिए क्योंकि आई भी फिक्स है, बराबर है? मतलब आई एम टॉकिंग विद द इंटेंसिटी ऑफ लेट अस से 2 मिली एम्पियर, ओके? तो इनपुट आई बी इज फिक्स्ड, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो आउटपुट में ना ज्यादा आवाज आने लगा, चलेगा कैसा एम्पलीफायर में से? नहीं ना, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द टेम्परेचर स्टेबिलाईजेशन, गेटिंग? सो दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपल सर्किट बट इट इज नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर, दिस इज नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर in the practical circuits, right? In practical use it is not used, so who is used then? So next circuit bolta hu main, right? So next circuit main nikalta hu, so if you can see, this is a transistor, this is emitter, base, collector, this is RC, okay? This is RC. And now I will just connect here one resistor. This is called as RE, right? And then यहाँ पर एक voltage था, क्या था ये? VCC. This is ground, 0 volt. This is VCC, right? Okay. And then देखिए what I am doing. I am just giving one more resistor here, one more resistor here. And then I will call it as R1, I will call it as R2. Chalega? Yes, sir. Okay. So, suniye, simple. What is voltage? Okay. Now, what I will do, I will just rub this thing. Chalega? Okay. Now, what is this? Can I say this voltage VCC will get drop across two voltages because it is in parallel? In parallel, voltage is same, right? Yes, sir. Brother? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सुनिए, यहाँ पर वोल्टेज कितना है? VCC. VCC. कितना है? VCC. VCC. Okay. So instead of drawing this part, right? If I draw it in this place, is it okay for you? यहाँ पर मैं प्लस वीसीसी बोल देता हूँ, चलेगा? यहाँ से हट चलेगा ना? यस, वन एंड द सेम थिंग, राइट? ओके, नाउ कैन आई से ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस प्लस वीसीसी देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 1 एंड देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 2 एंड आई कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 2 बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल. Voltage division rule, right? Barabar hai na? Hello? Yes, sir. Okay, तो voltage division rule से कैसे निकलेगा? तो ये voltage इसके across कुछ drop होगा, ये voltage इसके across कुछ drop होगा. तो VR2 क्या होगा बोलिए? VR2 will be R2 divided by R1 plus R2 into total applied voltage, that is VCC. ओके, व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस R1 बोलिए, डिनोमिनेटर में एडिशन, यहां पर क्या आएगा? R1 VCC. ये क्या हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल, ये शायद 12th में हुआ है, आपको याद है कुछ? हां सर,
यस करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें यस यस सर ओके गुड गुड। सो सुनिए वी आर टू मिल गया मुझे कुछ तो भी वैल्यू यस यस सर यस ये ट्रांजिस्टर कौन सा है एन पी एन एनपीएन ओके सो एन इज कनेक्टेड टू प्लस वीसीसी पॉजिटिव करेंट। पॉजिटिव सो ये गया रिवर्स में कलेक्टर बेस कैसे गया रिवर्स में। रिवर्स देखिए यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है यहाँ पर लेट अस सपोज 15 वोल्ट है राइट और ये इक्वल इक्वल है तो यहाँ पर कितना आएगा 7.5 वोल्ट आएगा राइट। ये अगर 5 किलो ओम्स का है ये भी अगर 5 किलो ओम्स का है तो यहाँ पर कितना आएगा 7.5। 7.5 पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप निगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप सो बेस एमिटर विल बी इन फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाय राइट। तो ये गया फॉरवर्ड बायस में राइट और ये आपका ऑफ कोर्स रिवर्स बायस में रिवर्स बायस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव यस 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 सर ओके आई यस सर थिंक हो गया मेरा यस यस सर सर वेरी गुड ओके। सो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस कंप्लीट थिंग राइट कैन आई से दैट कैन आई से दैट दिस ओनली आई विल राइट हियर प्लस वी सी सी राइट यस सर यस सर ओके एनी प्रॉब्लम इन दिस नो सर नो सर नो सर नो सर ओके। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस आर वन एंड आर टू टू आर वन और आर टू कनेक्ट करने के वजह से क्या हुआ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो वोल्टेज वोल्टेज गया डिवाइड हो बेसिकली। गया वेरी गुड सो व्हाट इज आर वन एंड आर टू इज डूइंग इट इज प्रोवाइड्स बायसिंग अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन बराबर है ना बेस और एमिटर के अक्रॉस बायसिंग कौन दे रहा है आर टू के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप यस यस सर यस सर तो आर सी करंट लिमिटिंग है आर वन आर टू का फंक्शन आपको समझ गया बचा कौन आरी। आरी का देखते हैं फिर क्या काम है ना। सो लेट अस सी इन डिटेल व्हाई दिस आरी इज यूज्ड ओके। सो ध्यान से देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको ओके। सो नाउ यू माइट बी नोइंग दैट वी कैन राइट एन इक्वेशन राइट। सो इक्वेशन कहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग चलो इनपुट में लगा के देखते हैं इक्वेशन राइट। इनपुट में लगाएंगे सबसे पहले आप बताइए आई इज इक्वल टू करेक्ट यस यस सर ओके यस ओके एंड वन मोर इक्वेशन वी नो आई सी इज इक्वल टू टाइम बीटा टाइम बीटा टाइम साहब साहब ओके ओके। नाउ ये जो इनपुट लूप है इनपुट में आप केवीएल लगा सकते हो ओके। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू व्हाट इज वी वोल्टेज आर ड्रॉप टू आर टू आर टू अपॉन आर टू प्लस आर वन इनटू और आर ओके वन प्लस ओके आर टू ओके। चलो मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पर कि ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस आर टू ये सर पावर सप्लाई की तरह काम कर रहा है ना यस यस सर ओके ओके। सो ये एक वर्चुअल पावर सप्लाई हो गया आपका एक वर्चुअल पावर सप्लाई हो गया एक्चुअल में नहीं रहता है लेकिन वर्चुअल पावर सप्लाई हो गया और इसका वोल्टेज कितना है वी आर टू करेक्ट यस सर यस ओके। सो वी आर टू का जो ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है ये कहाँ कहाँ पर जा रहा है ये कहाँ कहाँ पर जा रहा है ओके। नाउ सुनिए एक मिनट आर वन आर टू कैसा है सीरीज में पैरेलल में पैरेलल 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 अगर सुनिए थेवनिंस थ्योरम एक रहता है तो वो जब थेवनिंस थ्योरम अप्लाई करते हैं ना तो ये जो वीसीसी है इसको ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं तो इफ आई एम शॉर्ट सर्किटिंग दिस वीसीसी तो ये दे पॉइंट एक हो गया और ये एक पॉइंट एक हो गया। सो व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरबी एंड दैट विल बी आर वन पैरेलल विथ आर टू। टू सो इतना ये क्या हो गया आरबी क्या हो गया आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर वन टू प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू इजेंट इट बराबर यस यस सर ओके। सो वी कैन रिप्लेस दिस सर्किट बाय थेवनिंस इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलते हैं इसको थेवनिंस इक्विवेलेंट सर्किट ओके। सो थेवनिंस इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है
कि मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ एंड देन वी विल आई विल जस्ट ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए ये आपका आर आरसी है, दिस इज योर आरई, एनी प्रॉब्लम? ओके, एंड देन इंस्टेड ऑफ दिस दिस इज योर प्लस वीसीसी, करेक्ट? यस। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल राइट, आई विल जस्ट राइट आर वन आर 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 टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दिस, एंड ये जो है ना दिस आई विल कॉल इट एज बेस वोल्टेज, एंड व्हाट इज बेस वोल्टेज, दिस इज योर बेस वोल्टेज, क्योंकि यही बेस को अप्लाई हो रहा है ना, करेक्ट? यस सर। ये एक्चुअल में दो बैटरीज है क्या? नहीं, दिस इज योर वर्चुअल बैटरी, राइट? ये मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। नो सर। ओके, नाउ लेट मी वन मोर टाइम ड्रॉ अ लूप हियर, एंड वन मोर टाइम आई विल जस्ट राइट इक्वेशन बाय के वी एल। ओके, सो वी बी इज इक्वल टू सम वोल्टेज विल गेट ड्रॉप अक्रॉस दिस आर बी, सो दिस विल बी IB RB. Some voltage will go, get drop across this base emitter junction. What is that? V BE. Correct? And then yahan se kuch current ja raha hai na. So what is this current? I E. So what is this voltage? I E into R. RE. Correct? Dikh raha hai aapko? Yes, yes, sir. Okay. Now from here, can I say IB is what? BB minus BBE minus IE RE, correct? Divided by RB. RB. Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Similarly, ये जो VCC है, similarly VCC जो है, similarly let me change the color, right? Similarly, VCC that is getting drop across ICRC, correct? And then some voltage is across collector emitter, and plus voltage is across IE into RE. Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what we will do? I will just try to see what is VCE, right? VCE will be VCC minus ICRC minus IE RE, correct? Yes, no? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, now just a second. Instead of IE, I will just write here IB plus IC. Will it do? Yes, sir. Okay. Now, why? I just want to explain that what will happen. Okay. अभी देखिए, ये सर्किट को क्या बोलेंगे? ये सर्किट को बोलेंगे, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है. ये VCC is getting divided across VR1 and VR2. Yes, sir. Yes, sir. So this circuit is called as voltage divider bias. What we will say? It has voltage divider bias. और इसको आप क्या बोलेंगे? Self bias. क्या बोलेंगे? Self bias. Bias. Okay. Now. Okay. Now let me say. Give you a logical explanation, or let us say rather than logical, I can say mathematical expression. Okay, now let us deal step by step. Okay, अभी बोलिए, what will happen if IC increases? Okay, now if, okay, let us say temperature increase हुआ, तो क्या increase होगा? बीटा increase होगा. बीटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आईसी इंक्रीज होगा. ओके. अभी यहाँ पर आईसी इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो क्या होगा यहाँ पर? क्या इंक्रीज हो रहा है?
आईई इंक्रीज हो रहा है, बराबर है? यस नो? यस यस सर यस सर करेक्ट करेक्ट और नॉट? यस सर देखिए अगर आईई इंक्रीज हो रहा है तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये अक्रॉस आरई है, करेक्ट? सो कैन आई से आईई इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरई इंक्रीज होगा? यस सर यस सर ओके ओके तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है राइट, सो आई इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस आर ई इज इंक्रीजिंग, यस बराबर? यस सर तो ये जो yes, sir. हो रहा है, व्हाट इज दिस साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव? ये साइन कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। आईबी क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा। सो देयरफॉर आईबी विल डिक्रीज, ओके? आईबी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आईबी अगर डिक्रीज हो रहा तो क्या होगा, आईसी उस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा, करेक्ट? बिकॉज आईसी इज बीटा टाइम्स आईबी, यस नो? यस सर यस सर। मतलब सुनिए, अगर बीटा बढ़ा तो आईबी कम होगा, सो दैट आईसी विल बी कम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सो द प्रोपोर्शन इन व्हिच बीटा इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, द आईबी विल डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन कीपिंग आईसी कांस्टेंट। मतलब आउटपुट कैसा हो रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. If output is constant, even if the temperature increasing, right? This circuit, can I say it will provide the temperature stabilization. Right? So this circuit will provide temperature stabilization. समझ में आ रहा है? So that's why this is a beautiful circuit. We use this circuit in 99% of the cases, voltage divider or self bias. Yes, any problem in this? No sir. Getting easier? Yes sir. Yes sir. Now sir can you please explain once more sir? Okay, suniye. Now what, temperature stabilization? Yes sir. Okay, now see what happens, temperature agar bada, right? So what, yes, will happen? Beta will increase. Beta will increase. Agar beta increase hua to kya hoga, IC will increase as IC is equal to beta times IB. Correct. Abhi tak IB ko kuch hua kya? Nahi. To yes, IC sir. Increase hua, IC increase hua to kya hoga fir, IC is equal to IC increase hua to ye equation se kya hoga, I increase hoga sir. हाँ, वेरी गुड। सो आई इंक्रीज हो गया, राइट? अभी आई इंक्रीज हो गया, आई इंक्रीज हो गया तो फिर ये कलेक्टिवली आई इनटू आर ई क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा सर। ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, ये साइन क्या है, नेगेटिव, देन आई बी विल डिक्रीज, आई बी डिक्रीज होगा, आई बी डिक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ से आई बी डिक्रीज, आई सी डिक्रीज होगा, आई सी डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से आईसी बढ़ रहा था ना, उसी प्रोपोर्शन में आईसी डिक्रीज हो रहा है, मतलब आईसी तो आउटपुट करंट है, मतलब आउटपुट कैसे हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना? यस सर। सो दैट इज द केस, लाइक दिस इट विल प्रोवाइड द टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, एंड हु इज रिस्पांसिबल, आरई, राइट? सो आरई इज द रेजिस्टर व्हिच वी आर इंक्लूडिंग टू प्रोवाइड द टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, ओके? यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ समझ में आया? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। ओके ओके ओके, सो आई थिंक दैट इफ इट इज क्लियर, राइट? तो आप बताइए मुझे, अभी मुझे सेल्फ बायस करना है ट्रांजिस्टर को, तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा समय यहाँ पर प्रॉपरली निकालता हूँ। चलो बोलिए, मेरे पास ट्रांजिस्टर है और इसको बायस। योर वॉइस इज वेरी लो सर। हाँ, हेलो, नाउ इज इट? यस यस यस। सो मेरे पास ट्रांजिस्टर है। Yes, sir. I have a transistor and I need to bias it, okay? So what I will do, I will take, how much is the voltage, plus VCC, yahan par laga denge RC, fir ye gaya aapke transistor mein, right? And then
यहाँ पर है आपका, यहाँ से ले लेंगे, R1, यहाँ पर है R2, यहाँ पर कौन सा कनेक्टर करना है? दिस इज योर R, आरी राइट? ओके, सो दिस लाइक दिस वी विल बायस द ट्रांजिस्टर, करेक्ट? यस यस ब्रो। सर, और यस सर, इसका इसका इक्वालेंट मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज योर VB, दिस इज RB, एंड दिस इज योर ट्रांजिस्टर, है ना? अभी जो सीखा वही इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। बायआउट करेंगे क्या डायग्राम्स? नहीं। ओके, ये RE एमिटर को कनेक्ट किया, RC, और यहाँ पर प्लस VCC, यस नो, है ना? ऐसा ही था। हाँ, यस सर, भिडी यस इज सर, वर्चुअल बैटरी ना सर। ये वर्चुअल डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पर पता है ना मुझे, हियर VB क्या है? वर्चुअल बैटरी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, आर एंड ये टू क्या है आपका? R2 अपॉन R1 आर प्लस वन प्लस आर R1 टू मल्टीप्लाइड आर बाय VCC, टू वीसी राइट? एंड व्हाट इज RB? R1 R2 डिवाइडेड बाय आर वन R1 प्लस प्लस आर टू R2, R1 प्लस R2, यस, इज इट करेक्ट? यस ओके, सर नाउ नाउ सुनिए, लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत। नाउ अगर मुझे एसी सिग्नल है तो एसी सिग्नल इनपुट देना है। ओके, बिफोर दैट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हियर? आई आईबी व्हाट इज करंट फ्लोइंग हियर? आईबी आई, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज करंट फ्लोइंग हियर? आईसी। व्हाट इज करंट फ्लोइंग हियर? ओके, आई नाउ आई विल टेक द आउटपुट हियर, लेट अस से दिस इज आउटपुट। ओके, लेट अस से इसको मैं बोल दिया आउटपुट। ओके, एंड आई एम गिविंग इनपुट, आई एम गिविंग सम इनपुट, तो यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया। कौन सा इनपुट है ये आपका? वी यस इन, एसी इनपुट, राइट? सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इनपुट वी इन, बोथ द सर्किट्स आर सेम। ओके, गेटिंग? यस नो? ओके, यस सर अभी सुनिए, अभी सुनिए, इनपुट दे दिया आपने, सो जो इनपुट है एसी सिग्नल, तो ये कहाँ पर बैठेगा? आईबी पर बैठेगा, राइट? ओके, ये करंट कहाँ पर बैठेगा? एसी सिग्नल आईबी पर बैठेगा। ओके, आईबी ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, एंड आईसी इज व्हाट? बीटा टाइम्स आईबी, राइट? सो आईबी अगर बढ़ा तो आईसी भी बढ़ेगा, कितने टाइम्स से? बीटा टाइम्स से। समझ में आ रहा है? यस सर सो यस कैन आई से इट विल प्रोवाइड द एम्पलीफिकेशन? सर यस इनपुट सर करंट इज सिटिंग ऑन आईबी, एज आईबी इंक्रीजेस आईसी विल ऑल्सो इंक्रीज, एज आईबी डिक्रीजेस आईसी विल ऑल्सो डिक्रीज, सो आईसी इज बीटा टाइम्स आईबी, सो दिस सर्किट इज नथिंग बट योर एम्पलीफायर, इज इट? यस, यस सर करेक्ट? सो दिस इज द सर्किट यस सर ऑफ एम्पलीफायर। ओके, सो दिस इज द टॉपिक कॉल्ड एज बीजेटी, एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बीजेटी एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, यस यस नो? यस यस सर सर। यस सर हाउ इज द वर्किंग, हाउ इज द वर्किंग? द साइनोसॉइडल सिग्नल, राइट, दैट इज एसी सिग्नल, इज इम्पोज ऑन द बेस करंट। ओके, एंड देन इफ सीई, राइट, इज रिमूव्ड, देन आउटपुट वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस RE। ओके, यस सर सो व्हाट हैपेंस, यू नो, दिस आउटपुट वोल्टेज विल गेट ड्रॉप अक्रॉस RE, एंड देर विल बी रिडक्शन इन द आउटपुट, राइट? सो देयरफॉर वोल्टेज गेन विल इंक्रीज। नाउ ये इसको मैं आपको बताता हूँ व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। ओके, बट कैन आई जस्ट से आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या रहेगा? आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट? आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट? ओके, आई विल जस्ट राइट आउटपुट इक्वेशन हियर, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज, कैन आई से दिस आउटपुट वोल्टेज? ओके, लेट अस से दैट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी आर टेकिंग द आउटपुट वोल्टेज, राइट? दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो कैन आई से दिस प्लस वी सी सी इज नथिंग बट, प्लस वी सी सी इज नथिंग बट आई सी आर सी?
plus output voltage. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. So output voltage is what? VCC minus ICRC. RC. Yes, no? Okay. Yes, sir. Okay, very good. Now, very, very important point. IC is what? Beta times? IB. Okay. Now, VCC is fixed. RC is fixed. So V not depends on? IC. Barabar hai. Suniye. But what is the difference? What sign it is? Negative. Samajh mein aaya? Yes, sir. So what happens, you know, if IC increases, V not decreases. IC decreases, V not increases. Negative behave kar raha hai wo. Inversely proportional. Very good. Inverse. Nahin, negative behave kar raha hai. Inversely proportional, that is one thing. But there is, between input and output, there is phase shift of 180 degrees. Iske wajah se kya ho raha hai? There is phase shift of 180 degrees between input and output. Matlab, if you are giving a sine wave in the input, at the output also you will get the sine wave only, and that will be amplified version, right? If you are giving input as 5 volts, right? Output will maybe 50 volts, right? But what is the difference? There will be 180 degree phase shift between input and output. So what is phase shift, sir? Phase shift matlab dekhiye, yahan par pehle kaun sa cycle aaya, positive or negative? Positive. Yahan par kaun sa aa raha hai? Negative. Negative. Okay, so that is your phase shift. Getting? Okay, sir. Okay. 180 degrees kyun? Kyunki yahan par se jo sine chalu ho raha hai na, to yahan par 180 degree hum aise bol sakte hai na, one sine wave is equal to 360 degrees. Getting? So yes, if you are comparing is iska pehla positive cycle aur iska pehla positive cycle, to dono mein farak kitna hai? 180 degrees ka. So that's why it is called as 180 degree phase shift. Getting? Yes, yes, sir. Yes, sir. Only polarities will be different. Okay, any problem in this? No, sir. No, sir. Okay. So, what are the properties of this ideal amplifier? The properties of ideal amplifier are nothing but as follows, right? Iska input resistance is very high. Input resistance kaisa hota hai? Very, very high. Output resistance kaisa hota hai? Very, very low. Low. Iska voltage gain kaisa hota hai? Very high. Matlab ideally infinite hota hai. Okay? Voltage gain hi chahiye na hamein. Zyada se zyada gain chahiye. Right? Aur bandwidth kya hota hai? Infinite. Bandwidth matlab kya? Ki ye kaafi sare frequencies ko amplify karta hai. Okay? Like, see, my amplifier should do the justice, right? Jaise main baat kar raha hu aur fir kuch alag level ka amplification, and if let us suppose some another ma'am will come, right? Frequency change ho gaya. To fir amplification amplifier ne karna chahiye, nahi karna chahiye? Karna chahiye, right? Right? Yes, so, yes, so for all the frequencies, this amplifier should give the proper output. So the range of frequencies is called as your bandwidth. So our amplifier should work for all the bands of frequency. So bandwidth of this amplifier should be very high. Ideally it is infinite, right? So 4 point bataye. Input resistance kaisa chahiye? Very high. Output resistance kaisa chahiye? Very low. Very low. Bandwidth kaisa chahiye? Very infinite. High. Very. Infinite ideally. और वोल्टेज गेन कैसा चाहिए? वेरी हाई. सो ये जो सर्किट है, ये सब प्रॉपर्टीज है ना, ये सब प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. सो दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज वेरी गुड एज एन एम्पलीफायर. सर नाउ हां यस सर, इफ यू नीड टू गेट अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ राइट, so what changes we have to do? So there will be some changes in the values of resistors and capacitors, right? So that you will learn in second year. Now see what happens, it's not complete, pehle let me complete it. Okay, now suniye what happens, you know, sometimes, you know, agar which is the signal, AC or DC? AC, sir, right? Okay, AC. Now if this is AC signal, okay, so now what happens, you know, AC signal andar jayega, galti se DC component agar andar gaya to fir kya hoga? Wo bhi amplify ho jayega aur wo bhi output mein aa jayega, right?
यस यस सर यस सर हाँ, सो आउटपुट में देखिए, कभी कभी आपको ये एक्सपीरियंस आया है क्या कि समवन इज टॉकिंग ऑन द माइक एंड देन सडनली अ नॉइज विल कम, को एक ही यस सर लेवल यस का सर नॉइज आता यस है, सर यस सर डायरेक्ट करंट, राइट? नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वो चाहिए नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए, चाहिए नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। सो हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है? कैपेसिटर कैपेसिटर, राइट? कैपेसिटर सो दिस कैपेसिटर आई विल कॉल इट एज CC1, एंड सिमिलरली आउटपुट में देखिए यहाँ पर डीसी है, तो ये डीसी मिक्स होके आउटपुट में जाना चाहिए क्या? नो सर नहीं, नो कहीं से सर आवाज आएगा, तो CC1 एंड CC2 दे आर कॉल्ड एज कपलिंग कैपेसिटर, क्या बोलेंगे इसको? कपलिंग कपलिंग कैपेसिटर कैपेसिटर विच विल कपल द इनपुट टू द ट्रांजिस्टर एंड आउटपुट टू द स्पीकर, गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर समझ में आ रहा है ना, सिंपल है? ओके यस अभी सर देखिए, यस सर देखिए यहाँ यहाँ पर से यहाँ यहाँ कौन सा है, ये डीसी है राइट, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ से कौन सा आ रहा है, एसी आ रहा है, एसी तो यहाँ पर एसी कौन सा है, एसी प्लस डीसी, राइट? डीसी तो ये पूरा फिर से यहाँ पर जाएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो फिर से क्या होगा, ये लेट अस सपोज आई एम सेइंग हेलो, सो हेलो विल गो, इट विल गेट ड्रॉप अक्रॉस आरी एंड इट विल ट्रीट एज एन इनपुट, फिर से हेलो जो है वो एम्पलीफाई होगा, सो यू विल लिसन अगेन हेलो एंड देन दिस विल बी रिपीटेड, इसको इको सिग्नल बोलेंगे, हेलो 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 हेलो, गेटिंग? हाँ यस सर सो सर इसको बोलते हैं फीडबैक, राइट? सो आरी विल गिव द फीडबैक टू द इनपुट, राइट? सो व्हाट हैपेंस, यू नो, सो ये हमें चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सो दैट्स व्हाई नहीं व्हाट सर वी विल डू, वी विल वन मोर टाइम यूज द कैपेसिटर हियर, इसको बोलेंगे सीबी, बाईपास कैपेसिटर, सो व्हाट विल हैपन, इसमें से कैपेसिटर में से कौन जाएगा, एसी कहां पर जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, और यहां पर सिर्फ क्या होगा, डीसी ड्रॉप होगा, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द सर फंक्शन ऑफ सीबी, बाईपास कैपेसिटर, इट विल बाईपास ऑल द एसी सिग्नल्स, राइट, टू द ग्राउंड एंड टर्म टू डीसी एंड इट विल नॉट अलाउ टू क्रिएट अ फीडबैक पाथ विच विल गिव द फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट, समझ में आया? यस सर यस सो सर सीबी इज कॉल्ड एज योर बाईपास कैपेसिटर, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर नो सिंपल है? सर नो सर लगा सकते हैं ना सर हाँ यस सर इफ बीपी इन द माइक द वॉइस इज कमिंग दैट इरिटेटिंग वॉइस देन व्हाट डज इट मीन देन देयर मे बी सम नॉइज, राइट? मे बी फ्रॉम द इनपुट साइड, मे बी फ्रॉम द आउटपुट साइड, नहीं तो फिर ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया, राइट? सो इफ समटाइम्स स्टेबल नॉइज अगर माइक में जाता है, तो फिर आउटपुट में भी वो एम्पलीफाई होके बाहर आ जाएगा, राइट? यस सर यस सर हाँ, सो वो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो फिर ये कैपेसिटर खराब हो गया CC2, देन यहाँ का डीसी वोल्टेज भी बाहर आ रहा है, अगेन इट विल गिव सम नॉइज, राइट? सो यस सर या सो दैट इज द थिंग, ओके? और अगर आपको दूसरा दूसरा ऐसे सिग्नल है और उसका नॉइज नहीं चाहिए, तो फिर आपको फिल्टर्स लगाना पड़ेगा, राइट? यस यस सर सो दैट इज द थिंग, ओके? सो दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ BJT एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सो सर टुमारो हाँ यस एनी वीबी को R1 के अक्रॉस भी लगा सकते हैं ना इसमें किसको वीबी को R1 वो के अक्रॉस किसके अक्रॉस R1 हाँ VB को? मतलब नहीं R नहीं नहीं से VB, हाँ यस यस दैट इज, हमने क्या किया है ना, हमें VB को R1 के अक्रॉस क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमें बेस एमिटर जंक्शन को फॉर ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बायस में करना है, ओके सो दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग अक्रॉस दिस, ओके? सर सो दिस इज योर कैपेसिटर नंबर वन, दिस इज योर कैपेसिटर नंबर टू एंड दिस इज योर CB, सो दोनों जो दोनों डायग्राम्स है वो सेम है, इक्वालेंट है, ओके? ये एक्चुअल है, ये वर्चुअल है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यस? सर ओके 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 सो लेट मी गिव यू द पीपीटी, ओके? चलो कल हम पीपीटी में से रिवाइज करेंगे, ओके? सो एनी डिफिकल्टी इन टुडेज लेक्चर? नो नो सर नो सर ओके नो सर सो आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग.